बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी का शनिवार देर रात दुबई में निधन हो गया। जैसे ही इसकी खबर मिली, बॉलीवुड से लेकर एक्ट्रेस के फैंस के बीच शॉक की लहर फैल गई। लोगों ने ट्वीट के जरिए श्रीदेवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि दी उससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसे देखते हुए कांग्रेस को अपना ट्वीट तक डिलीट करना पड़ा। कांग्रेस ने ट्वीट किया था, श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर हम बहुत दुखी हैं। एक बेहतरीन अभिनेत्री, अपने अभिनय और शानदार काम से वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। उनके प्रियजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। श्रीदेवी को यूपीए सरकार के दौरान साल 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दरअसल लोगों ने कांग्रेस के ट्वीट से जुड़ी इस बात पर गुस्सा निकाला कि उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए भी यूपीए सरकार का जिक्र किया। लोगों ने कहा, कम से कम ऐसे मौके पर तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ यूजर्स ने इसे बेहद शर्मनाक बताया। एक अन्य यूजर ने लिखा, कांग्रेस के अंदर आत्मसम्मान नहीं बचा है, इसलिए कांग्रेस जो करती है उसे उसकी परवाह नहीं होती है, केवल राजनीति ही उनके अंदर बची है।